गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहा है 5:10 और आज अपनी यहाँ से होम टाउन से गोरखपुर से रिटर्न की यात्रा है। तो सुबह से उठ गए हैं, बस अब रेडी होना है, 6 से निकलना है रूम से और 7 तक स्टेशन पहुँचना है, क्योंकि जो गाड़ी है वो 7:20 तक खुल जाएगी। यहीं से बन के चलती है बट 7:20 तक खुल जाएगी। बस फ्रेश वगैरह होता हूँ, थोड़ा हल्का सा बाहर आ गया है, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बस आधा एक घंटा बारिश ना हो तो आराम से पहुँच जाऊँगा स्टेशन। बस चलते हैं, थोड़ा स्नान वगैरह करके रेडी होकर निकलते हैं, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे और कुछ पैक करके ले आना है रास्ते के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक देखिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिलहाल कुछ ऐसा मौसम है, देख रहे होंगे पूरा एकदम बादल लगा हुआ है, बहुत मस्त चल रहा है, ठंडा ठंडा। सुबह सुबह चाय पराठा खा चुके और ये थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, बस अब निकलना है रेडी होकर। सब्जी फाइनली रेडी होके बस अब निकल रहा है, स्टेशन पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। Feet hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight. Believe me, when they try the chains, you can say no. Free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna. So ji, पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म पर, अब पहुंचने वाले हैं स्टेशन के आसपास, पहुंच चुके हैं, बीच में ट्रेन जा रहा है पार करके। तो ये स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं, प्लेटफॉर्म 1। सो गाइस अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं। Thoughts never waste time, you got one shot, you got one life, better pop off, what do you like, make a dream job, no none. So guys, जो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, the world's second longest station प्लेटफॉर्म है, अभी हुबली हो गया, पहले इसी के नाम पे था, बट ये अब रिकॉर्ड हुबली जंक्शन हो गया है, हुबली जंक्शन के नाम हो गया। उसकी लंबाई करीब 1400 है, इसकी 1355.4 है। तो ये प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है और करीब एक प्लेटफॉर्म और दोनों इसी में है, तो इसलिए इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। इस गोरखपुर की बहुत सी खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो गीता प्रेस है गोरखपुर, यहीं से जो गीता जी की पुस्तकें होती है श्रीमद् भागवत गीता, यहीं से प्रपुलिस होता है और दूर दूर तक वर्ल्ड में यहीं से जाता है। तो गीता प्रेस यहीं है गोरखपुर में, साथ ही साथ जो अभी करंट सीएम है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, यहीं से गोरखपुर मठ गोरखनाथ मंदिर यही है, और बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पर। तो आप गोरखपुर आइएगा तो ये सब चीज़ें ज़रूर घूमिएगा। बाकी यहाँ पे चिड़ियाघर वगैरह बन गया अभी, नया नया नौका बिहार है और भी बहुत सारे जगह हैं, तो जब भी गोरखपुर मौका लगे आइए। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग भी आपको बातें और भी बताता रहूँगा गोरखपुर के बारे में, क्योंकि मेरा बचपन तो यही बीता है, होम टाउन यही है मेरा गोरखपुर का। तो कुछ ऐसा है अभी गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, इधर से मेन रोड से आता है, तो मैं बैक वाले रोड से आ गया था, बैक साइड रोड से आ गया डायरेक्ट नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। बाहर से भी आइएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही पहले मिलेगा। तो आ चुके हैं मेन प्लेटफॉर्म पे, इधर पूरा पार्किंग की व्यवस्था है, ये इधर से आ रहे हैं लोग। सो गाइस मेरे पीछे लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए। तो जहाँ पे आपको राष्ट्रीय झंडा दिख रहा है, तिरंगा झंडा, वो मेन गेट है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए, एक नंबर गेट वही है, बाकी बहुत सारे गेट है, तो मैं पीछे वाले गेट, ये गेट से आगे गेट नंबर 1। From the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better. So guys, finally, train के अंदर आ चुके हैं, बर्थ पे बैठ चुके हैं। जो ये ट्रेन है अपनी मोरे एक्सप्रेस है, जो इसे लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा था, इसमें सेम वही है, तो आपको एक बार सीट का रिव्यू उसका भी देते हैं। तो ये सामने वाला सीट है, साइड अपर एंड साइड लोअर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्जर नीचे वाली सीट पे, ऊपर वाली सीट पे भी है साथ में। इस तरह से आप सोने का, सोने के लिए अपडेट हो चुका है, मतलब इस तरह से आप रहता है। बाकी साइड में साइड होटल रखने के लिए बीच वाला है, लोअर अपर एंड मिडिल, ये सामान वान रखने के लिए, खाना वाना खाते समय यूज करते हैं। बाकी हर जगह ये सॉकेट पॉइंट भी है चार्जिंग के लिए, ये सही है, ये अपर बर्थ के लिए। सामने ये बैग रखने का है, मिरर है, पर्दा वगैरह हटा दिया है, बड़े सा खिड़की है। फिलहाल मेरा सीट नंबर है 11, बस मैं अभी इधर खाली था,
68 वाला, तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे आपको सीट का अच्छे से रिव्यू दे देते हैं। बस यही है, थोड़ा बहुत बाथरूम का दिखाते हैं आपको। सो बाथरूम का रिव्यू दिखाते हैं आपको, बाथरूम का रिव्यू कर देते हैं। सो फिलहाल ये इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, जेट स्प्रे वगैरह लगा हुआ है इसमें, मैनुअल वाला भी लगा हुआ है ये, साथ ही साथ इधर वॉश मशीन है, टोटी है, सामने मिरर है, और ये हैंड वॉश के लिए है, इधर लॉक करने के लिए परमानेंट टेम्प्रेरी खोलने के लिए, साथ में अगर कुछ होल्ड करना है तो यहाँ पे, और ये इधर है मर्करी, अच्छा सी अच्छा है, प्लस करने के लिए ये है, बस यही है। और इसके सामने वेस्टर्न स्टाइल है और ये इंडियन स्टाइल है, बाकी उसमें भी सेम होगा, बस ये सीट का अंतर होता है। तो अभी सामने वाला को दिखाते हैं, ये सामने वाला है वेस्टर्न स्टाइल, यहाँ पे प्लस है और इधर मैनुअल और जेट डिस्प्ले दोनों है। सामने ये सेम चीज मशीन है, वहाँ हैंड वॉश है और मिरर है, सेम इधर दरवाजे के पास परमानेंट लॉक मेटल, ये टेम्परेरी खोलने के लिए, और इधर होल्डर। तो गाइस ये था मौर्य एक्सप्रेस के B1 क्लास का सीट एंड बाथरूम का रिव्यू। बाहर थोड़ा स्पेस है, ये बाहर वाला स्पेस है, इधर से अंदर वाला अंदर शुरू हो जाएगा मेन सीट। यहाँ पे एक बैठने की व्यवस्था है, साथ ही साथ इधर वॉश मशीन है, हाथ धुलने के लिए ये टोटी है, साथ में कुछ रखने के लिए सोप वगैरह है, मिरर है एंड डस्टबिन है, साथ में ये मेन चेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है, इधर से अदर कोच का डब्बा शुरू हो जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं सीट पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह सुबह उठ गए थे आज, तो थोड़ा हल्का हल्का स्लिप आ रहा है, तो स्लिप ही फेल हो रहा है। उसके बाद आप पानी वगैरह तो ले लिए, खाने वगैरह का घर से ले लिए, तो बीच बीच में मतलब जब भूख लगेगा थोड़ा 10, 11, 12, 1 बजे तक, तो घर से लेके आए रोटी सब्जी खाएंगे, और बीच बीच में जहाँ थोड़ा ट्रेन रुकेगा टाइमिंग मिलेगा तो बाहर भी निकलेंगे। तो आप लास्ट तक देखिएगा ब्लॉग, और इस ब्लॉग में आपको 24 घंटे मान लीजिए 24 घंटे की जर्नी दिखाएंगे, साथ ही साथ और भी बीच बीच में व्यू दिखाते रहेंगे। तो आप पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग देखिएगा पूरा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। बस मिलते हैं, बने रहिए लास्ट तक, देखिएगा। Blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11 is... So finally, platform से गाड़ी खुल चुकी है। सो अभी 11 बज चुके हैं और मैं फाइनली थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। तो ये अपना पूरे सफ़र के लिए मिला है पराठा है, प्लेन पराठा, आलू बर्बर का भुजिया सब्जी हो रही है, चना मसाला, थोड़ा सा खाया जाए ब्रेकफास्ट सुबह सुबह का। Searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I want to be first. So guys, अभी समस्तीपुर जंक्शन पहुंचे हैं, शाम के 4:40 पे। पीछे ट्रेन है मौर्य एक्सप्रेस, जो ये 40 के लिए उतर गए थे। तो गाइस अब 1 से 1.5 घंटा 6:15 बजे के करीब बरौनी जंक्शन पहुंचेगी, तो फिर अब दोबारा उतरेंगे। अभी 4:50 हो रहा है, तो करीब वही 1.5 घंटा मान के चलते हैं। तो गाइस फाइनली बरौनी जंक्शन पे गाड़ी आ चुकी है, थोड़ा लेट आया है, 6:30 हो रहा है, और इतना भीड़ लगा हुआ है ना खाने पीने के लिए, बहुत कुछ मिल रहा है। मैंने भी थोड़ा अंडा वगैरह ले लिया है, फिर पूरी सब्जी मिल रहा है। तो यहाँ ज़्यादा देर का गाड़ी रुकने वाला नहीं है, 5 मिनट रुकेगा, जैसा कि बताया आपको लेट आया है, जल्दी से मैं ये खा लेता हूँ। थोड़ा सा अपने पास रोटी सब्जी है, वो रात में खा लेंगे 8-9 बजे। रात के 7:45 हो गए, अब खाना ही खा रहे हैं। तो खाने में वही है जो दोपहर में था, बस खाना खाते हैं और रेस्ट करेंगे। वही है दोपहर वाला प्लेन पराठा है, चपात सब्जी और ये चना। Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free. So मैं खाना वाना खा चुका हूँ, बस अब चलते हैं, लेटते हैं। 8 बज चुका है, 4 बजे बुखारा पहुँचा देगी और अब लेटेंगे। तो आपसे सुबह मिलते हैं, अभी तक कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके पहले करना होगा। सुबह मिलते हैं आपसे। तो फाइनली अभी सुबह के बज चुके हैं 4:02 और मैं चंद्रपुरा क्रॉस कर चुका हूँ, चंद्रपुरा जंक्शन, बस अब बोकारो नेक्स्ट स्टॉपेज है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये कुछ बाहर का दृश्य है, एकदम अंधेरा है बाहर। तो गाइस फाइनली बोकारो जंक्शन, बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पहुंच चुके हैं 4:20 पे, थोड़ा सा लेट हुआ है 4 बजे टाइमिंग है,
तो ये दो नंबर है, वन नंबर जाना होगा सिंधी से। फाइनली प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए, गाड़ी लेते हैं। वैसे मौसम तो खराब लग रहा है, सुबह 5:30 तक पहुंच जाएंगे अगर ऑटो मिल गया टाइम से। तो ये था अपना मुबार स्टील सिटी का खूबसूरत रेलवे स्टेशन। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, ऑटो मिल गया था टाइम से, तो मोड़ तक पहुंच चुके हैं। और ये अभी मोड़ से व्यू देख लीजिए, क्या खतरनाक व्यू है। सो गाइस फाइनली रूम के अंदर पहुंच चुके हैं, और बारिश वगैरह नहीं मिला, फाइनली आ गए रूम के अंदर। और गाइस होप इस ब्लॉग में आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा इस जर्नी में। बाकी आप पूरा जर्नी देखिएगा आने से, और मतलब यहाँ से बोकारो से गोरखपुर, गोरखपुर से बोकारो का। और मैं राकेश 2022 का एक बना रहा हूँ प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। राखी का वीडियो पहले आ चुका है, और ये वाला वीडियो थोड़ा लेट आएगा। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अभी तक अच्छा लगा कुछ लाइक कीजिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। चलते हैं थोड़ा सा हाथ मुंह धो के फ्रेश होकर रेस्ट करें, बाकी अपना कार्य हाथ से शुरू करते हैं। मिलते हैं आपसे क्या लिखा है ब्लॉग में, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।